हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइं खुशी क्रिएशंस आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन आप किन चीजों का दान करें मकर संक्रांति के दिन कौन सी चौदह चीजें आप बांटें तो जो भी मैं सामान आपको बताऊंगी इनमें से कोई भी एक सामान सिलेक्ट कर कर आप चौदह की गिनती में लेकर उसे बांट सकते हैं चौदह तो लेने ही लेने हैं उससे ज्यादा लेना चाहें तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं हर साल आपको नई चीज़ लेनी होती है तो जो इस साल लें वो आप अगले साल ना लें और हर साल आप कोई नई चीज लें मैं आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखा दूंगी उनके अलावा आप और भी कई चीजें ले सकते हैं पर ये वीडियो देखकर आपको आसानी हो जाएगी कि क्या दान करना अति फलदायी होता है इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है तो इस दिन आपको दान जरूर से करना चाहिए आपको मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य जरूर से करना चाहिए तो आइए जानते हैं कि आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं ये नियम तो आप सबसे पहले नारियल से शुरुआत करें और उसके साथ आप हल्दी कुमकुम -कुम की ऐसी डिब्बिया आती हैं कई जगह पर रोली चावल की आती हैं तो ये डिब्बियाँ आप लें अगर ये आजकल भारत में यूजुअली सभी जगह पर इजीली मिल जाती हैं तो ये ना मिले तो आप छोटे छोटे पैकेट बना सकते हैं और नारियल से आप पहले साल शुरुआत करें उसके अलावा बाद में आप ऐसे डिब्बे आपको मार्केट में मिलेंगे दिवाली के टाइम ऐसे डब्बे बहुत मिलते हैं और फिर तो दिसंबर एंडिंग पे भी न्यू ईयर का टाइम ही रहता है मकर संक्रांति के आसपास तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे तो इस प्रकार से डब्बे आप ले सकते हैं एक एक डब्बा या ऐसे पूरा जो सेट आता है ये सेट आप सबको दे सकते हैं या इनमें से निकाल कर आप दे सकते हैं इन सभी के साथ जो भी सामान आप दें उसके साथ आप दक्षिणा कुछ रुपये जरूर से रखें ग्यारह रुपये से लेकर जितना भी आपका मन हो उतने रुपया आप जरूर रख सकते हैं और खिचड़ी आपको जरूर देनी है तो गुड़ का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो गुड़ है वो आप जरूर दान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके अलावा घी घी आप बड़ा पैकेट छोटा पैकेट जो भी लेना चाहें वो आप दान कर सकते हैं शक्कर चीनी खाने की किसी भी चीज का आपकी किचन में जितना भी राशन हो उनमें से कुछ भी दान कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी आटे की अचार की बढ़नी आती हैं, वो आप दान कर सकते हैं खिचड़ी का दान विशेष रूप से माना जाता है तो जैसे अगर आपने ये बढ़नी ली है या कोई भी बर्तन लिया है तो वो बर्तन को खाली नहीं देना है उस बर्तन में आपको कुछ सामान भरकर खिचड़ी तिल या फिर तिल के लड्डू भरकर गुड़ भरकर रेवड़ी गजक भरकर ये भरकर कुछ भी इनमें से आपको जरूर दान करना चाहिए तो देखिए आप ऐसी छोटी छोटी अचार की बढ़निया ले सकते हैं तिल आप ले सकते हैं तिल या फिर खिचड़ी जो भी आप लेना चाहें या आप एक थाली में इन सब चीजों का प्लेटर बनाकर वो भी बहुत सुंदर लगेगा वो आप दे सकते हैं ये दान भी आप किसी को भी कर सकते हैं अपने घर परिवार में अपनी जेठानी को ननंद को किसी को भी आप ये दे सकते हैं मतलब सारा आपको एक ही व्यक्ति को नहीं देना है, जैसे अगर आपने प्लेट ली है तो वो तांबे का पीतल का और स्टील का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं कोई क्रॉकरी आइटम ले सकते हैं कोई शो पीस ले सकते हैं तो गिलास चम्मच कटोरी थाली कुछ भी आप ले सकते हैं इसके अलावा कोई धार्मिक पुस्तक आप ले सकते हैं गीता है कोई सी भी पुस्तक धार्मिक पुस्तक भगवान की आरती की किताब है कहानी की किताब है त्योहारों की किताब है वो आप दे सकते हैं इसके बाद ब्लाउज पीस आप दे सकते हैं कपड़ों की बात करें तो तरह तरह के कलरफुल ब्लाउज पीसेस आप ले आए और मकर संक्रांति के जो दान होता है उनमें आप काले रंग का सामान भी दे सकते हैं उसमें काले रंग का सामान देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अलावा आप टी शर्ट ला सकते हैं लेडीज़ की कुर्ती ला सकते हैं मोजों का दान किया जाता है तो मोज़ों का आप दान कर सकते हैं इसके बाद आप ऐसे सूट के जो कपड़े आते हैं सूट का कपड़ा लेकर इसका दान कर सकते हैं इसे दे सकते हैं साड़ी में आप कोई से भी रंग की साड़ी ले सकते हैं काली साड़ी भी ले सकते हैं मकर संक्रांति के दिन काला रंग पहना भी जाता है इसके अलावा आप चौदह कोई से भी रंग की साड़ी ले सकते हैं टॉवल आप ले सकते हैं शॉल ले सकते हैं दुपट्टे सुंदर सुंदर दुपट्टे आते हैं वो दुपट्टे आप ले सकते हैं चादर ले सकते हैं और मंदिर में पूजा का आसन जो बिछाया जाता है वो आसन ले सकते हैं चटाई ले सकते हैं और इसी के अलावा छाता भी लिया जाता है तो छाता भी आप ले सकते हैं इनमें से कोई सा भी सामान चौदह की गिनती में आपको लेना होता है कंबल का विशेष दान माना जाता है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा होता है तो अगर आप कंबल का दान कोई से भी एक साल में कंबल का दान भी जरूर से करें और इसके अलावा चप्पल खड़ाऊ का दान भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पुराने जमाने में तो बहु भाय। बहुए बायने में भी अपनी सासू माँ को खड़ाऊ देती थी लकड़ी की तो आप चप्पल ला सकते हैं जूते आप ला सकते शॉल ला सकते हैं, 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 इस प्रकार के आते सुंदर-सुंदर अगर आप बच्चों को सामान देना चाहें तो स्टेशनरी किट आती हैं, वो सब आप दे सकते हैं लेडीज को आप इस प्रकार से पर्स दे सकते हैं और इसी के अलावा अगर आप अपने घर परिवार में देने के लिए लेना चाहें तो आप थोड़े अलग टाइप के और अपने मतलब परिवार वालों के हिसाब से आप और दूसरे टाइप के पर्स ले सकते हैं किताबें ले सकते हैं आप नोटबुक ले सकते हैं बच्चों की बुक्स ले सकते हैं कहानी की किताबें मैगजीन्स कई तरह की किताबें आती हैं वो आप ले सकते हैं इसके बाद आप लोगों को उनके भगवान जी के लिए भी कुछ सामान दे सकते हैं तो आप भगवान के खाने की प्लेट छोटी सी पीतल की थाली और दिया चोपड़ा ये स्टील का चोपड़ा या पीतल का चोपड़ा जो भी आप देना चाहें पूजा की छोटी, छोटी छोटी चौकी आती हैं दिए तो आप एक साल जरूर से दें तो आप भगवान की कोई छोटी सी फोटो लाकर वो भी आप दे सकते हैं या छोटे से गणपति जी आप दे सकते हैं इसके बाद अगरबत्ती है धूप बत्ती है पूजा के सामानों में से कुछ भी आप दे सकते हैं इसके बाद नेल पेंट्स आप दे सकते हैं अब सुहाग के सामान की बात करें तो नेल पेंट्स हैं क्लचर्स हैं सुहाग के सामानों की भी लिस्ट खत्म नहीं होती आप सोलह श्रृंगार में से या किसी भी और टाइप का जो भी ज्वेलरी कॉस्मेटिक कुछ भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं सिंदूर चूड़ी बिंदी मेहंदी बिछुए काजल और लिपस्टिक बिंदी इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं तो ये देखिए मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिखाए अगर आप चूड़ियाँ दे रहे हैं तो चौदह दर्जन चूड़ियाँ आप दे फिर चौदह पीस चूड़ियाँ नहीं दें और इसके बाद आप गले के हार ले सकते हैं जितना भी आपका बजट हो जितना भी आपका मन हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप अपने हाथों से कुछ डी करके भी बना सकते हैं जैसे ये डब्बी है इसके अंदर आप कोई सामान भर दे सकते हैं तरह तरह के जो डी आप बनाना चाहें वो बनाकर भी आप लोगों को दे सकते हैं तो ये भी बहुत सुंदर दिखेगा अगर आप ये देना चाहें तो आप कुछ भी दान में दे सकते हैं बस आपको शुद्ध सात्विक चीज़ें ही देनी होती हैं प्याज लहसन इन सब चीज़ों का दान नहीं करा जाता है सब्जियों का भी लोग दान करते हैं तो चौदह प्रकार की सब्जियां या चौदह किलो सब्जियां लेकर भी आप दान कर सकते हैं और इसके अलावा ये देखिए कैसेरोल है ये भी आप दान कर सकते हैं और तरह तरह के और बर्तन आते हैं वो आप दान कर सकते हैं नहाने का मग्गा है नहाने की बाल्टी है साबुन है मेहंदी है कुछ भी आप दान कर सकते हैं और इनमें से कैलेंडर है नया पंचांग क्योंकि साल शुरू ही हुआ होता है तो आप पंचांग भी दान कर सकते हैं तो यही सब कुछ सामान है जो आप दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन और इसके अलावा सोने चांदी का सामान चाहे तो बिछवे पायल वो सब भी आप दान कर सकते हैं नाक की लौंग तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें